अब खबरें विस्तार से। मोदी पार्क में 3 अप्रैल को हुई गोली चालन की घटना का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। 3 अप्रैल को मोदी पार्क के पास हुई गोलीबारी की घटना में आदित्य कुमार नामक युवक को गोली लगी थी, जिसका इलाज TMH में चल रहा है। पुलिस ने 4 दिनों के भीतर ही मामले का उद्भेदन करते हुए मोहम्मद अरशद, मोहित तिवारी, आमिर खान और सन्नी नामक 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। घटना में प्रयुक्त SUV भी जब्त कर ली गई है। DSP जसिंता केरकेट्टा ने बताया, ये दिनांक 3/4/16 के शाम के समय में एक छात्र था आदित्य कुमार सिंह, जिसको SUV गाड़ी से कुछ लड़के जाके गोली चलाए थे, जिससे उसको जांघ में गोली लगी थी। एक फिर विष्णुपुर थाना में कांड दर्ज कराई गई 83/16। इसमें हमारे थाना प्रभारी अपने थाने के पुलिस अफसर के साथ में और आरक्षियों के साथ में जाकर छापामारी की। इसमें जो 4 पूर्व में उनका भर्ती बयान लिया गया था, जो लड़के थे FIR में, जिनका नाम था अरशद उबैद जो कदमा करने वाले हैं, एक सलमान और मोहित तिवारी, ये सभी, एक सलमान है जो अग्रिको का है और मोहित तिवारी कदमा का है। इसमें से 4 लड़कों की आज छापामारी के दौरान गिरफ्तारी हुई है। इसमें मोहम्मद अरशद है, मोहित तिवारी है और नन FIR जो इनसे पूछताछ के क्रम में बतलाया गया, आमिर खान और सन्नी उर्फ शहनवाज, इनकी गिरफ्तारी हुई है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोग बाहर भी हुआ है। हाँ, जैसे कि इनसे अभी जांच के क्रम में, इनसे पूछताछ के क्रम में हुआ कि इनके साथ एक SUV गाड़ी में और भी लड़के थे, जो साथ में जाकर वहाँ गोली चलाने के समय में उपस्थित थे गाड़ी के अंदर में, जिनकी छापामारी के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है और हमारे पदाधिकारी इस पर आगे काम करेंगे। क्या कारण, किस कारण से गोली चलाई गई? इनका एक ही कारण है कि ये सब एक साथ थे और उसके साथ में कुछ पैसे के लिए लेन देन के चलते में इस प्रकार का लोग दो गुट हो गया था, जिसके चलते में इनमें 3 तारीख से पहले ही, एक सप्ताह से इन लोग के बीच में बकझक और झगड़ा झंझट चल रहा था। कभी एक गुट उनके यहाँ जाता था, दूसरा गुट फिर यहाँ आता था, लेकिन 3 तारीख को जो इस प्रकार की घटना हुई, एक गोली चालन की घटना की गई। एक्साइज ड्यूटी के विरोध में आंदोलन चला रहे स्वर्णकारों ने दुकानें खोल ली है, पर विरोध स्वरूप काला बिल्ला लगा रखा है। एक्साइज ड्यूटी के विरोध में आंदोलन चला रहे सराफा कारोबारियों ने आंदोलन के बीच में दूसरी बार दुकानें खोल ली हैं। हालांकि उनका कहना है कि उनका आंदोलन जारी है, दुकानदारों ने विरोध स्वरूप काला बिल्ला लगा रखा है। उनका कहना है कि सरकार के खिलाफ उनकी मुहिम जारी रहेगी। तो झारखंड में हम लोग ने डिसाइड किया, झारखंड ज्वेलर्स एसोसिएशन रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग अभी खोल देंगे। और अभी बाई चांस हम लोग को GGF जो हम लोग का फेडरेशन है बॉम्बे में, जो हेड हम लोग का संगठन है, वो अगर बोलते हैं कि वापस बंद करने के लिए, तो हम लोग वापस बंद करने के लिए रेडी है। तो अभी विरोध स्वरूप क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये काला वाला रिबन जो है, सब कस्टमर्स, सब जितने भी सेल्समैन हैं और जितने भी दुकानदार हैं, सब ने ये वाला विरोध स्वरूप लगाया है। विरोध स्वरूप ये वाला लगाया है और उसी के हिसाब से हम लोग एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग अभी भी ये सरकार का जो चीज़ है, जो उन लोग ने एक्साइज लगाया है, और हम लोग वापस बोलने मांग रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। उन लोग बोलते हैं कि छोटे कारीगर को एक्साइज नहीं लगेगा, पर वो इतना सिंपल सा चीज़ है कि एक्साइज लगेगा मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग अगर हम आज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे छगनलाल दयाल जी के पास 50 कारीगर है आज, और उसमें सीधा सा सिंपल सा नियम है कि एक्साइज ट्रेडिंग में नहीं लगेगा। ट्रेडिंग मतलब हम अगर कलकत्ता से माल उठा के लेके आएंगे और जमशेदपुर में बेचेंगे, उसमें एक्साइज नहीं लगता है। तो फलस्वरूप मेरे को अपना जो 50 कारीगर है उसको छोड़ना पड़ेगा। बिरसानगर में आपसी विवाद के बाद दो पड़ोसियों के बीच हुई तलवारबाजी की घटना में
चार लोग घायल हो गए। बिरसा नगर जोन नंबर 11 में पुराने विवाद को लेकर शुक्रवार को दो पड़ोसी आपस में भिड़ गए। इस दौरान हुई तलवारबाजी में गोविंद झा, दीपक झा समेत चार लोग घायल हुए हैं। उनका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। मार्केट सर पता नहीं, डॉक्टर महेश प्रसाद का मैं ड्राइवर हूँ। कल रात में छुट्टियों के साथ में घर जा रहा था, तो उस टाइम मेरे रास्ता के सामने घर बना के अपने टेंशन ले रहा है, तो बात किया मैंने। आज की आवाज के बारे में हम बात किए, उसको आज में सुबह में ड्यूटी जा रहे थे, तो रात्रि ये लोग प्रोग्राम बनाया और सब परिवार मिलकर ड्यूटी जाने नहीं दे रहा सर। मैं टिफिन उफिन सब फेंका गया घर में सर, और उसको आगे फिर हम निकल रहे हैं, तो फिर गाली भी दे रहा माँ बहन का इधर उधर। ये लड़का जो है मारपीट करने के लिए हुआ, मारपीट यही कल से ये लोग सेटिंग करके रखा हुआ कि मारेंगे हमको। क्यों मारना चाह रहा आपको? धनबाद बुकारो लेके किए और 200 रुपये दिए मेरे को, 1000 रुपये पेमेंट होता है, 200 रुपये दिए, तो उसमें समझ गया कि मेरा भूखा है, बोल के मेरी जमीन है अपना मांग रहा। 3 साल पहले मेरा लड़का वही फंसाया था, मेरा रूम में घुस गया, बेडरूम में घुसने के बाद में अंदर जाके बोलता है कि क्या पकौड़ी उकौड़ी नहीं खिलागी मेरी बच्ची, बहू बेटी सब था मेरी पत्नी से, उल्टा पुल्टा ही बकने लगा वकना। तो हम निकला, हम टीवी देख रहा था, निकला इसको हम ऐसे रपेटते हुए, मैंने धक्का देकर हम वही बाप बोला चलो बाहर चलो, अभी तुम बात मत करो, तुम पीने पिया हुआ हमारे पड़ोस में रहता है, हम बोले छिया हुआ तुम बाहर निकलो, बोलता नहीं जाएगा, हम आया तो कुछ खिलाओ, अब मैंने अभद्र लहजा इसका था, अभद्र लहजा हम बातें करते हुए उसके बाद में ये बाहर निकला। जाके छानबीन होगा, गया खाली मारपीट हुआ, घटनास्थल भी जांच नहीं हुआ, खाली लोग वहाँ से उठा के इलाज के लिए लग गया। क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी अभी जाके फिर जांच कर 11 नंबर जवान बिरसा नगर थाना। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों के लिए गर्मी से बचाव के कई उपाय किए गए हैं। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को भीषण गर्मी से बचाने के कई उपाय किए गए हैं, साथ ही उनके खानपान में भी बदलाव लाया गया है। जू के निदेशक विपुल चक्रवर्ती ने बताया कि हर बार गर्मियों में जीवों को बचाने के लिए कूलर, जल का छिड़काव, पुआल, टार आदि उनके बाड़े में लगाए जाते हैं, साथ ही उन्हें ऐसा भोजन दिया जाता है जिसकी तासीर ठंडी हो। हर साल की तरह इस साल भी हमारा समर एक्शन प्लान अभी चालू कर दिया गया है। जहाँ जहाँ बहुत धूप आता है वहाँ पे शेड छाव दिया गया है, चटाई उस तरह से बिछाया गया है, पुआल बिछाए जा रहे हैं, पानी से जानवरों को नहलाया जा रहा है, तो ये सब कार्यक्रम हो रहा है। साथ साथ तरबूज, खीरा, जो ककड़ी, ये सब आना शुरू हो गया है जानवरों के लिए, और जो मेडिकल केयर है उसके लिए भी पूरी टीम तैयार है। कौन सा जानवर इसमें ज्यादा गर्मी में असर पड़ता है सर? देखिए, मनुष्य की तरह हर जानवर को गर्मी से उलझन होता है, तो इसीलिए हम नहीं कह सकते कि इस जानवर को गर्मी से दिक्कत होता है, उस जानवर को नहीं होता है, सबको दिक्कत होता है। इसीलिए वो समर एक्शन प्लान उसी तहत तैयार किया गया है कि हर जानवर को राहत मिलेगी।